दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज मैं जो थ्योरम स्टार्ट करने जा रही हूं उसको मैं सेपरेटली प्रूफ करूंगी, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम कही जाती है इंटीरियर ऑफ अ सेट टॉपिक के अंडर। तो चलिए मैं सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड करती हूं। द इंटीरियर ऑफ अ सेट एस कंटेन्ड इन आर इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ एस। यानी कि इंटीरियर ऑफ एस जो होता है, इंटीरियर ऑफ एस जो होता है वो सबसे पहले तो हमें ये प्रूफ करना है कि वो एस का सबसेट है। फिर हमें ये प्रूफ करना है कि वो ओपन सेट है, और उसके बाद में हमें ये प्रूफ करना है कि इंटीरियर ऑफ एस जो है वो लार्जेस्ट ओपन सेट है जो कि S के अंदर कंटेन हो रही है। यानी कि इससे बड़ी कोई भी सेट S के अंदर कंटेन नहीं होगी। तो हम इस थ्योरम को तीन पार्ट में प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि S नॉट जो है वो S का सबसेट है, ये एक ओपन सेट है, और इसके साथ साथ में ये लार्जेस्ट ओपन सेट है। तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाउ S not contained in S clearly, क्योंकि हमारे पास में by definition ही होता है कि any point P belongs to S is said to be an interior point of S if it is a neighborhood of P। यानी सबसे पहले वो S का एलिमेंट हुआ, बाद में वो S नॉट का एलिमेंट हुआ। तो S नॉट के हर एक एलिमेंट जो है वो पहले S के एलिमेंट होते हैं, वो बाद में S नॉट के एलिमेंट बनते हैं। तो S नॉट का हर एक एलिमेंट S का एलिमेंट हो गया, तो S नॉट जो है वो S का सबसेट हो गया। नाउ वी विल प्रूव S नॉट इज एन ओपन सेट। लेट P बिलोंग्स टू S नॉट बी एनी एलिमेंट। P जो है वो S नॉट का ऐसे ही कोई एलिमेंट है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन S। Now we will show P minus epsilon P plus epsilon contained in interior of S, यानी कि S not। हम ये प्रूव करेंगे कि वो S not का भी सबसेट है, सॉरी S not के अंदर भी कंटेन कर रहा है, जिससे क्या हो जाएगा, S not जो है वो P का नेबरहुड हो जाएगा। और P जो है वो एक आर्बिटरी पॉइंट है, यानी S नॉट अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो जाएगा। तो यहां पर लेते हैं, लेट Q बिलोंग्स टू P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन। नाउ P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन जो है वो S का सबसेट है, देयरफॉर Q बिलोंग्स टू S, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन S एंड Q बिलोंग्स टू P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन। तो हमें यहां पर क्या मिल गया, ये एक नेबरहुड मिल गया। हर एक ओपन सेट जो है, ओपन इंटरवल जो है एक ओपन सेट होता है, तो यहां पर हमें एक नेबरहुड मिल गया जो कि S के अंदर है, और Q जो है इसके अंदर बिलोंग कर रहा है।
यानी देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन ऑफ क्यू कंटेन्ड इन एस. देयरफॉर एस इज अ नेबरहुड ऑफ क्यू. देयरफॉर क्यू बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ एस. सिंस q belongs to p minus epsilon p plus epsilon was arbitrary, therefore every element of p minus epsilon p plus epsilon belongs to s naught. Therefore, P minus epsilon, P plus epsilon contained in S naught. Therefore, S naught is a neighborhood of P. Since P was arbitrary, therefore, S naught is a neighborhood of each of its points. Therefore, S naught जो है वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो जाता है. इससे इसका मतलब क्या हो गया? Therefore, S naught is an open set. अब हम इसका लास्ट पार्ट प्रूफ करेंगे जिसमें हम ये प्रूफ करेंगे. नाउ वी विल प्रूफ एस नॉट इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन एस. यानी कोई भी और ओपन सेट अगर S के अंदर कंटेन कर रही है तो वो S नॉट से छोटी है, उससे बड़ी नहीं है. ऐसे ही एक ले लेते हैं. लेट T बी एनी ओपन सेट कंटेन्ड इन S. वी विल शो T contained in interior of S. Let P belongs to T be any element. Now T is an open set. Therefore it is neighborhood of each of its points. Therefore, it is neighborhood of each of its points. Therefore, sorry, therefore it is neighborhood of each of its points. Therefore, it is neighborhood of P also. Since every superset of a neighborhood of a point is a neighborhood of that point, इसका मतलब क्या हुआ? S is also a neighborhood of P. Therefore, P belongs to S naught. Since P जो था वो एक arbitrary point था T का, P belongs to T was arbitrary. And every element
यानी टी का हर एक एलिमेंट जो है वो एस नॉट का एलिमेंट भी होगा. देयरफॉर टी कंटेन्ड इन एस नॉट. देयरफॉर एस नॉट इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ एस. ये थी हमारी थ्योरम. इसको काफी ऑथर्स एज अ डेफिनेशन भी यूज करते हैं कि इंटीरियर ऑफ एस इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ एस. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें. अगर आप फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.